चलिए स्वागत है आपका अप्लाइड फिजिक्स 2 के सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट क्लास में। और आप लोग को बिल्कुल ऐसा फील होता होगा, अभी कुछ ही दिन पहले घर से आप लोग निकले होंगे कि अभी तो सर 16 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ था और अभी क्लास चालू हो गया। ठीक है, तो अब एक चीज जान लीजिए आप लोग, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। जय किशोर सक्सेना मुन्ना, इंडियन शॉर्ट फिल्म अपना नाम रखे हैं, विपिन कुमार, रणविजय, जय किशोर, नमस्ते आप सभी को और गुड इवनिंग। मैं बता रहा था कि अब आप लोग जैसे जैसे बड़े होते रहिएगा ना, छुट्टी तो अब धीरे धीरे भूल ही जाइए। ठीक है, और घर वाले भी तब तक ज्यादा पूछेंगे जब जस्ट डिप्लोमा कर रहे हैं, और जैसे ही डिप्लोमा पास आउट हुईगा, ठीक है, फिर तो कोई पूछने वाला नहीं। नौकरी रहेगा सब कोई पूछेगा, नहीं रहेगा चलो भाई तैयारी। तो ये भी सच है कि चलती का नाम जिंदगी है। तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा एक हफ्ता 10 दिन तक रिलैक्स ले सकते हैं, रिलैक्स मतलब घर पे आप लीजर टाइम बिता सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन का फायदा ऐसे उठाना है कि जल्दी से जल्दी जो कोर्स है इनरोल कर लीजिए। आप ऑफलाइन आना चाहते होंगे तो 10 दिन बाद ही आइए ऑफलाइन, लेकिन लाइव तो कम से कम वीडियो देख सकते हैं आप जहां भी होंगे, जहां भी छुट्टी बिता रहे होंगे। ठीक है, बिताइए 10 दिन छुट्टी। लेकिन अभी लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग ऑफलाइन में आ गए हैं। ठीक है, तो पता नहीं ये लोग घर कब गए हैं, नहीं गए हैं या जाएंगे। ठीक है, होली में तो पक्का छुट्टी मिलेगा इंस्टीट्यूट से भी, कॉलेज से भी, और 21 से आप लोग का कॉलेज भी चालू हो रहा है तो वहां भी कोई राहत नहीं है। ठीक है, और हम लोग भी आदमी हैं, आप लोग को देख रहे होंगे कि छुट्टी में जो 4-5 दिन का गैप था इसमें भी आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड जा रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग भी छुट्टी ना मांगते हैं ना आप लोग मांगिए। ठीक है, और कंटिन्यू रहना है। ठीक है, और जैसे जैसे सीनियर होते जाइएगा छुट्टी भूल जाइए। ठीक है, तो आ चुके हैं अभी आप लोग सेकंड सेमेस्टर में, तो मोह माया अभी थोड़ा बहुत होगा घर का, लेकिन इस धीरे धीरे मोह माया को कम करना है और एकदम प्रोफेशनल डिप्लोमा इंजीनियरिंग पे करना है। सर 21 से ही कॉलेज स्टार्ट हो रहा है जी शेड्यूल में, और आप लोग को पता होगा आई थिंक इस सेमेस्टर में आप लोग को समर वेकेशन भी 1 महीने का मिलेगा, तब यार छुट्टी मना लेना। ठीक है, जुलाई में एग्जाम भी होगा आप लोग का सेमेस्टर का, एक मैंने रफ आइडिया मैं दे रहा हूं। तो अगर स्टडी के लिए टाइम देखिए तो फैब तो खत्म मानिए, मार्च अप्रैल मई जून 3.5-4 महीना बचा हुआ है। ठीक है, इस सेमेस्टर में भी, और कहने के लिए 6 महीने का सेमेस्टर होता है। ठीक है, हाँ ऑफिशियली तो 6 महीने का ही होता है ना, लेकिन पढ़ने को आपको समय मिलता है 3-3.5 मैक्सिमम 4 महीना। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में रियलिटी है, तो इसीलिए कहीं भी हो जल्दी से एडमिशन इनरोल कर लीजिए और कम से कम लाइव क्लास कंटिन्यू हो जाइए। ठीक है, तो आज का जो आपका शेड्यूल है, और मैं आपको अपना शेड्यूल बता दूं, आप लोग ऑलरेडी शेड्यूल देख चुके हैं। इस सेमेस्टर में मेरे से 2 सब्जेक्ट में मुलाकात होगी आपसे, 2 सब्जेक्ट में डिस्कस करूंगा आपसे, अप्लाइड फिजिक्स 2 TTS 7-8 एंड अनदर सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स MWF 7-8 PM। यही शेड्यूल रहेगा सर, आपको डिस्कस कर दिए होंगे। TTS मतलब ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, और MWF मतलब मंडे वेंसडे फ्राइडे। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट में मेरे से मुलाकात होगी, फिजिक्स 2 और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सफर चालू करते हैं, और स्पेशली जो ग्रुप बी वाले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो उनसे जरूर एडवाइस लेना है कि हाँ कैसा टेक्निकल क्लास में मैकेनिक्स या फिजिक्स या मैथ कोई भी सब्जेक्ट हुआ था। ठीक है, और कितना आ रहा है, कितना कैसा एग्जाम गया था। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों से मेरी पहली मुलाकात है, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे से मुलाकात आप लोगों की नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन चलिए मुलाकात पहली बार है लेकिन फर्स्ट मुलाकात हो तो अच्छा होना चाहिए और अच्छा एक्सपीरियंस रहना चाहिए।
और इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग टेक्निकल क्लास पे और मेरे पे या बाकी टीचर पे आप लोग भरोसा, आप हैं तो हम हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों से एक वादा किया जा रहा है कि आपका सिलेबस अच्छे से खत्म होगा और आप लोग का एग्जाम भी अच्छा जाएगा, एटलीस्ट माई सब्जेक्ट फिजिक्स और मैकेनिक्स, और थोड़ा बहुत आप लोग मेरे से, मेरे बारे में अगर जानते होंगे तो थोड़ा बहुत पता होगा। चलिए, तो अपने अप्लाइड फिजिक्स 2 का कथा हम लोग चालू करते हैं। कथा कुछ ऐसा है कि मेरे इंट्रो सब्जेक्ट में भी या लेक्चर में भी आप लोग देखे होंगे कि ये आप लोग को जो भी 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, मैकेनिक्स, फिजिक्स, एफ ट्रिपल ई, मैथमेटिक्स एंड आईटी, इंट्रोडक्शन टू आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 5ों सब्जेक्ट में से सबसे बड़ा सिलेबस है, 7 यूनिट पढ़ने, ठीक है। लेकिन एक राहत यह है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है मोस्टली, मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर भी आता है वो थ्योरेटिकली आता है 95%, 92-95%। हाँ, 2-3 न्यूमेरिकल रहेगा, एकदम लॉलीपॉप न्यूमेरिकल, फॉर्मूला पुटिंग, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, पेशेंस रखना है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है। और मेरी जिम्मेवारी है एग्जाम से कम एक हफ्ता पहले सिलेबस खत्म होगा, ठीक है, कम से कम। आप लोग ये मत सोचिए कि एक महीना पहले, ना ना, ये झूठा मैं नहीं बोल सकता। पता चला कि आप लोग मेरा टोपी पकड़ लिए कि सर आप तो बोले थे एक महीना पहले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम एक हफ्ता पहले जरूर सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। हाँ, एक सीरियस बात, हमें सीरियस ही है, मतलब ऑफलाइन में आइए, अगर पॉसिबल है तो ऑफलाइन में आइए, मैं बड़ा रिलैक्स वे में पढ़ाना चाहता हूँ, मजा के साथ, ठीक है। और ऑफलाइन में जितने लोग रहते हैं उतना ही मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने में भी, ठीक है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, मेरा चेहरा जरूर खड़ू जैसा दिखता होगा लेकिन मैं खड़ू जैसा हूं नहीं, ठीक है, दिल बिल्कुल साफ रहता है। बच्चे बोलते हैं सर आपसे थोड़ा डर लगता है, ठीक है, आप सर एमटेक किए हुए हैं, पीएचडी किए हैं, मेरा पीएचडी करने का आपसे डरने की क्या बात है, आपका जो काम है वो मैं आपसे डिस्कस करूं, बस आपका अच्छा मार्क्स है, दैट्स इट, ठीक है, डरना नहीं है, पहली बात। हाँ, इंपॉर्टेंट बात, एक ऑनलाइन के जमाने में ये मैं देखता हूं कि आप लोग का ना लिखने का आदत छूट जाता है, नोट्स बनाने का, जैसे जैसे हायर सेमेस्टर में जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बना बनाया पीडीएफ आप लोगों को मिल जाता है, तो चलो आंख से केवल देख लिए, रट लिए, नहीं, मेरे फिजिक्स 2 का और मैकेनिक्स का 2 नोट्स बनेगा, ये ध्यान रखना है, पहला क्लास है, क्या नोट्स बनेगा, 2 नोट्स, एक नोट्स बनेगा आपको जो आप बनाइएगा, लिखना नहीं है, बस अभी समझ लीजिए कथा, एक जनरल क्लास का जो मैंने यहां लिखवाऊंगा आप लिखिएगा, फर्स्ट जनरल क्लास का, और विश्वास कीजिए आप एग्जाम के समय चादर तान के सोइएगा, ये जो प्रोसेस मैं बोल रहा हूं ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम 10 बच्चे भी करते हैं और 3 घंटे का एग्जाम 2.5 घंटे में करके आते हैं। दूसरा जो दो एक नोट्स बनेगा फार्मूला का, एक पतला कॉपी, एकदम पतला, हर एक यूनिट वाइज जो जो उस यूनिट में फार्मूला प्लस आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे वो एक पतला कॉपी में, ठीक है, उसका गत्ता थोड़ा मोटा हो, अगर बेस्ट है कि आपके पास एक्स्ट्रा डायरी वगैरह पड़ा है, मैंने पुराना साल का, तो डायरी में फार्मूला यूनिट वाइज फार्मूला का नोट्स, फॉर्मूले का नोट्स, फार्मूला प्लस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैंने थ्योरेटिकल जो बात होगा मैं स्टार मार्क लिखवाऊंगा कि इंपॉर्टेंट है, ये 2 नोट्स बनेगा, ये हो जाएगा 2 कॉपी या 1.5 कॉपी। आप लोग जब याद करते हैं, रिवीजन करते हैं तो देखते हैं इतना मोटा है, कितना दिन लगेगा याद करने में, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर रहता है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूं वो साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये फार्मूला वाला आप इतना, मतलब 7 यूनिट का फार्मूला मुश्किल से 10 पन्ना में आपका लिखा होना चाहिए, 8 से 9 पन्ना में, उससे क्या रहेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, वो 10 पन्ना आप 2 घंटा में रिवीजन कर लोगे, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मुझे फिजिक्स का सारा फॉर्मूला याद है। और आपके एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग, जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा फॉर्मूला पुटिंग, मतलब विश्वास करो दोस्त,
आप इस 8 पन्ना के नोट से आप समझ लीजिए कि 70 में से 20 से 25 मार्क्स केवल 8 पन्ना से कर लोगे आप, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये तो जरूर माने बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो समझ लीजिए आप मेरे, मैं आऊं खड़ा हो रहे हैं, रिस्पेक्ट गुड इवनिंग बोल रहे हैं, इसका मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर आप मेरे थोड़ा सा भी बात को फॉलो करना चाहते हैं तो ये नोट्स तो सब कोई बनवाता है, बनाते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा है। कब फायदा होगा? जब यहाँ यूनिट खत्म होगा, मैं टेस्ट के लिए बोलूंगा, आप 10 मिनट में पूरा इस यूनिट का फॉर्मूला आपको रिवाइज रहेगा, क्योंकि आप छाटे रहिएगा इस यूनिट में कौन कौन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कब बनाना है। मैंने बोल तो दिया कि फॉर्मूले का अलग कॉपी बनाना है, कब बनाना है ये भी सुन लीजिए। कैसे आपको फिजिक्स 2 या मैकेनिक्स 2 मेरे सब्जेक्ट का तैयारी करना है ये भी सुन लीजिए। स्टेप्स इन्वॉल्व, ये बस कथा है, स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर प्रिपेयरिंग या रिवीजन, लिखना नहीं है, आप लोग सुन लीजिए कौन कौन से स्टेप कैसे आपको करना है। पहले तो आपको नोट्स बनाना है दोनों टाइप का, रिवीजन पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, ठीक है, कि पीएसक्यू क्वेश्चन रखना है, पीवाईक्यू नहीं, प्रीवियस सेमेस्टर क्वेश्चन अपने पास पिछला 3-4 सेमेस्टर का रखना है, ठीक है। और जब यूनिट खत्म हो जाएगा तो यहां टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट लेते के लिए आप लोग क्या करोगे कि रिवीजन करोगे। रिवीजन करने के बाद जो रिवाइज किए उसमें जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला तब ये नोट्स बनाना है, सेकेंड वाला नोट्स, ठीक है। और जब यहां टेस्ट लिया जाएगा आपका पूरा थ्योरी ऑफ फॉर्मूले आपके दिमाग में रहेगा। इस पीएसक्यू को आपको देखते रहना है कि सर जो नोट्स पढ़ाए हैं, जो बताए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया है वो बन रहा है कि नहीं मेरे से। तो सिंपल आपको नोट्स रिवाइज करना है और प्रीवियस सेमेस्टर क्वेश्चन साथ में बगल में रखे रहना, ठीक है। और विश्वास करिए आप एग्जाम के समय चादर तान के सोई रहेगा, पूरा मार्केट तहलका मचा रहेगा, क्या क्वेश्चन आएगा, याद नहीं है, वो नहीं है, फलना ढिकना। आप एग्जाम के समय भरोसा करिए, आप एकदम सोए रहिएगा कि मेरा तो फिजिक्स 2 और मैकेनिक्स तैयार है, सिंपल, ये मेरा मतलब कोई तहलका नहीं मचाना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है घर पे कैसे पढ़ना है, इस होम शेड्यूल मेरा सब्जेक्ट बस, मैं और सब्जेक्ट का नहीं जानता हूं, आप लोग कैसे रिवीजन करते हैं, होम शेड्यूल क्या होना चाहिए। 1 घंटा का यहाँ क्लास आपका होगा, 1 आवर का टेक्निकल क्लास होगा, टेक्निकल क्लास में 1 घंटा, मान लीजिए मैं फिजिक्स लिया, आपको कैसे जाके पढ़ना है, मात्र 30 मिनट या 25 मिनट रिवीजन करना है, जो आज पढ़ाया उसी का 20-25 मिनट डेली बाय डेली होना चाहिए। 20-25 मिनट क्या करना है, रिवीजन। 1 घंटे का क्लास यार 20 मिनट में तो रिवाइज कर ही सकते हैं, यहां से 1 घंटे में मैं थोड़े पढ़ाऊंगा, मुश्किल से आपको 40 मिनट पढ़ाऊंगा, ठीक है, यही सच्चाई रहता है, ठीक है। तो आपको घर पे जाके डेली रिवीजन करना चाहिए, आपको डेली बेसिस, ये डेली होना चाहिए। रिवीजन कैसे, आज जो पढ़ाया उसको सरसरी निगाह से एक नजर देख लिए, हाँ, अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर, मैंने थोड़ा सा हल्का इंटरेस्ट बन गया तो उस दिन जो फॉर्मूले मैंने लिखवाया है उसको उसी दिन इस कॉपी में लिख लेना। आप विश्वास करो दोस्त, आप लोग को पता नहीं कितना विश्वास आप लोग करते हैं कि आप लिखते हो ना तो दिमाग में ज्यादा बैठता है, पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, ये आप महसूस करते हो कि हम लिखते हैं। पीएसक्यू कहां से लाएंगे, टेक्निकल क्लास को फोन करिए, कम से कम 3-4 सेमेस्टर का क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, उस ग्रुप में मैं डाल दूंगा 3-4 सेमेस्टर, घबराना नहीं है, टेक्निकल सारा जिम्मेवारी यहां पे लिया जा रहा है, पढ़ने, पीएसक्यू पास कराने, टॉप कराने, सबका, कहीं और नहीं भगना है, कहां से मिलेगा, एकदम आपका हक है टेक्निकल से लेने का, मेरे से लेने का, ठीक है। तो आप सिंपल घर पे करोगे, 1 घंटा जो क्लास करके जाओ, मुश्किल से 20 से 25 मिनट उसको रिवाइज करो, उस दिन जो फॉर्मूला मिला है फिजिक्स या मैकेनिक्स में
उसी दिन आप क्या करो, इस फॉर्मूला के नोट्स में दो तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला, जो भी एक फॉर्मूला मिलेगा उसी दिन लिख लो। एकदम छोटा छोटा में फॉर्मूला लिखना है जिससे आपको समझ में आ जाए। आपको ही पढ़ना है ना, ना मुझे पढ़ना है ना टीचर कोई चेक करेगा। तो ये नहीं कि एक नोट्स बन गया दो कॉपी इसका, आप फॉर्मूले का बन गया एक मोटा कॉपी, तीन कॉपी लेके आप माथा गर्म कर ले हैं, बिल्कुल एकदम पतला में बनाना है। तो दोस्त मैं आपसे बस इतना ही मांग रहा हूं, क्या एक घंटा क्लास और 20 से 25 मिनट घर पे रिवीजन, बस विश्वास करो एग्जाम के समय चादर तान के सोओगे, कोई हफड़ा दफड़ी नहीं मचेगा, चाहे वो मैकेनिक्स हो चाहे फिजिक्स हो। और कम से कम 150-200 बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, कम से कम 10 बच्चे जो करते हैं ना, 10 बच्चे इस रूटीन को फॉलो करते हैं। सिंपल, क्या रूटीन, में मैं आपसे 20-25 मिनट मांग रहा हूं मैं घर पे पढ़ने के लिए। और ये स्टेप्स की जनरल नोट्स, एक फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट, बस विश्वास करो सही में एग्जाम के समय बाकी मार्केट में लोग घूम रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन आएगा, क्या याद करे, कहां ब्रह्मास्त्र चल रहा है, कहां महामैराथन चल रहा है, कहां से क्वेश्चन, जितना बेचैनी एग्जाम के समय लगा रहता है ना आप लोगों को, ठीक है, आप चादर तान के सो रहे होंगे उस वक्त। तो ये रहा मेरे क्लास का अप्रोच, ऐसे आपको करना है और इसी से आपको 70 में 65-68 मार्क्स आपको मैकेनिक्स और फिजिक्स में बच्चे लाते हैं और तीन घंटा एग्जाम ढाई घंटा में करके आ जाते हैं, ठीक है। मैं फॉलो करूंगा, चलिए यादव रोहित आर्य भट्ट, फी कितना है सर? सारा टेक्निकल पे आपको फी मिल जाएगा कितना, आई थिंक 1849 रुपए है ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए सब आप फोन करिए, सब पता चल जाएगा फी कितना है, ठीक है। फी के चक्कर में मत पड़िए, आप आइए, टेक्निकल क्लास पढ़ाने का ये करता है। कोई ऐसा बोल देता है सर बिल्कुल हम नहीं दे सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम है घर पे, उसके लिए भी सेवा है। कोई ये भी कर सकता है कि सर हम 0 रुपया दे के पढ़ेंगे तो ब्रह्मास्त्र देखो पास तो जरूर हो जाओगे, ब्रह्मास्त्र तो फ्री रहता है, ठीक है। तो मत लीजिए एडमिशन, टेंशन मत लीजिए, लेकिन पढ़िए जो भी मौका मिल रहा है, टेक्निकल से जुड़िए, ठीक है, दैट इज द मोस्ट थिंग। पैसे के चक्कर में और एडमिशन आप 1500-1800 नहीं करिए। तो ये सिंपल शेड्यूल है, ठीक है, और सिंपल अप्रोच है। चलिए हम लोग आज कुछ श्री गणेश कर देते हैं, आप लोग भी कथा सुन सुन के बोर हो गए हों, लेकिन कथा नहीं है, ये सिंपल स्टेप्स है और ऐसे ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। और दूसरी बात कि मेरे से बिल्कुल ऑफलाइन वाले स्पेशली कुछ मतलब ऐसा खड़ूस टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन डरना नहीं, बेहिचक पूछना है कि सर नहीं आया बिल्कुल। एक बार पूछिएगा, चार बार बताऊंगा, लेकिन पांचवा बार जब मैं पूछूं तो जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब फिर अलग रूप आपको मिल सकता है देखने के लिए, ठीक है। तो आप एक बार पूछिएगा, चार बार बताया जाएगा, चार बार पूछिएगा, छह बार बताऊंगा, लेकिन सातवां बार जवाब मुझे मिलना चाहिए अगर पूछूं, ठीक है। तो हर्ष, समीर, जय और साकेत देख रहे हैं ना, इसीलिए कोई एक्सक्यूज नहीं। चलिए यूनिट वन आप लोगों का नाम है, मतलब आप लोगों का नहीं, अप्लाइड फिजिक्स टू का, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। एकदम कोई बेचैनी नहीं होना चाहिए पढ़ते वक्त, आराम से, मन ना करे तो बोल दीजिए नहीं पढ़ना है, फिर छोड़ दीजिए, अगला दिन पढ़ेंगे, एकदम चिल्ड वे में पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, माथा पे स्ट्रेस नहीं, ठीक है। मेरे क्लास में स्पेशली जिंदगी पहले है, बाद में सब पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, दैट इज द रियलिटी। विराट कोहली को हम लोग इससे एज्यूम करते हैं, बहुत बड़का क्रिकेटर, लेकिन लाइफ पहले है ना, अभी छुट्टी पे है पर्सनल रीजन की वजह से, पता नहीं, मैच का मैं बहुत बड़ा फैन, ठीक है। चलिए वेव कथा, न्यूज में सुने होंगे मोदी वेव, तो राहुल वेव, जो भी मतलब वेव, 9th-10th में भी पढ़ के आए होंगे, ध्वनि तरंग, साउंड वेव, लाइट वेव,
चलिए ठीक है, वेव वेव तो है, लेकिन वेव का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेव? बताइए कुछ अगर फीलिंग्स हो तो, तरंग के बारे में कुछ। 7 यूनिट इसमें टोटल पढ़ना है। पहला वेव है, दूसरा ऑप्टिक्स है, तीसरा इलेक्ट्रोस्टेट है, चौथा करंट इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, छठा सेमीकंडक्टर, सातवां मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, वेव, वेव इज पार्टिकल। कौन थंडर बोल रहे हैं? राशिद अली, हाय सर। अनुराग वत्स, मैं फॉलो करूंगा पक्का सर। चलिए, सरिता कुमारी, सर वीडियो क्लियर नहीं है। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, रियली में क्लियर नहीं, यहां तो क्लियर दिख रहा है, आप अपना क्वालिटी बढ़ाइए। सरिता जी क्या बोल रहे हैं? 144 पे देख रही होंगी, कितना पे बोल दूं बताइए, आप लोग बताइए, एक्सपीरियंस है कितना? 360 पे कर दीजिए क्वालिटी सरिता, यहां पे लोग बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो वेव के बारे में पहले एक अपना फीलिंग्स बताइए कुछ। वेव तरंग क्या? हाँ वेरी गुड, यही वर्ड में मतलब। चलिए डिस्टर्बेंस, हाँ डिस्टर्बेंस, देन एक तो हाँ हाँ ठीक है, अच्छा बात, इक्विलिब्रियम। अच्छा ठीक है, इक्विलिब्रियम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे दूसरे यूनिट में। तो देखिए वेव क्या है दोस्त, पहले तो आप पिक्चर वगैरह से मैंने एक इस टाइप का कुछ ऐसे ऐसे चीजों का मतलब तरंग टाइप से ऐसे कुछ लगते होंगे वेव, मतलब दिमाग में पहला ये आना चाहिए ऐसे वेव का मतलब। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिकली भी किए होंगे बचपन में, चाहे अभी भी, एक बड़ा रस्सी या धागा एक जगह बांध दीजिए और दूसरा फ्री एंड उसको पकड़ के एक ऐसे डिस्टर्ब करिए उसको। रस्सी आपको इस शेप में दिखेगा ना, तो उसी को बोलेंगे कि रस्सी में एक वेव जनरेट हो गया, वेव पैदा हो। तो कहने का मतलब वेव क्या है ना, कि वेव प्रोड्यूस करने के लिए आप पहले आपको डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो डिस्टर्बेंस जो होना चाहिए ना एक फिक्स पैटर्न में होना चाहिए। जैसे यहां मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, ऐसे एक पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है, पैटर्न मतलब सेम टाइप का चीज रिपीट होना। तो वेव बिना एक हमारा पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस है जो मूव करता है, जिसको हम फिजिक्स के भाषा में प्रोपोगेशन बोलते हैं, फैलाव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय द सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, कुछ देना पड़ेगा आप प्रोड्यूस करिए, या कहीं से अगर आ रहा है, सन से ही लाइट वेव आ रहा है तो वहां एनर्जी है तभी आ रहा है लाइट वेव। तो कहने का मतलब वेव एक प्रोपोगेशन या फ्लो है, किसका? पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस का। ठीक है, जिसमें कोई जरूरी नहीं है, या जरूरी नहीं है बिल्कुल नहीं, जैसे रस्सी में आपने जो खींच के ऐसे डिस्टर्ब करते हो, ऐसे प्रोड्यूस हो तो होता है, तो क्या रस्सी आगे पीछे जाती है कि रस्सी केवल ऊपर नीचे, मतलब इस टाइप का नेक्स्ट स्टेज में ऐसे ऐसे हो जाएगी? रस्सी थोड़े ना आगे पीछे जाती है, रस्सी तो आप पकड़े हो एक जगह फिक्स है। तो इस रस्सी को ना, जिसमें आपने डिस्टर्बेंस ऐसा प्रोड्यूस किया, इस डिस्टर्बेंस को वेव बोलेंगे और रस्सी को मीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? कि जिसमें आपने वेव प्रोड्यूस किया, जिस चीज में आपने वेव प्रोड्यूस किया, थ्योरेटिकल है, कथा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आएगा, नींद भी हो सकता है, आ सकता है, जय। ठीक है, मैं समझता हूं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब ये है ऐसा कथा तो समझना है। अब एक्साइटमेंट के लिए बताइए क्या करूं मैं, ऐसा तो नहीं है मैं डांस कर सकता हूं, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो है व्हाट इट इज, ठीक है, तो मीडियम कि जिसमें डिस्टर्बेंस हम लोग प्रोड्यूस किए उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मीडियम। और जो डिस्टर्बेंस का पैटर्न प्रोड्यूस किए उसी को बोलते हैं वेव। जैसे हम लोग बोल भी रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, तो जो साउंड है ये भी एक वेव है, किसमें प्रोड्यूस हुआ है? एयर में। तो एयर हो गया मीडियम और साउंड हो गया वेव।
वैक्यूम में निर्वात में जाके चिल्लाते रहिए, कुछ सुनाई नहीं दे। बिकॉज साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक सहारा चाहिए जिसमें वो प्रोपोगेट हो। ठीक है, तो इसी सब के कहानी के बारे में अब छापिए, हम लोग लिखते हैं वेव के बारे में, लिखिएगा द फ्लो ऑफ, एकदम नोट्स बनाना है, द फ्लो ऑफ पैटर्न, द फ्लो ऑफ पैटर्न ऑफ, द फ्लो ऑफ पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस, द फ्लो ऑफ पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस बाय द सप्लाई ऑफ, बाय द सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी इज कॉल्ड वेव। तो कहने का मतलब सिंपल कि ये पैटर्न का फ्लो है। अब पैटर्न कैसे डेवलप हुआ है, तो हम लोगों ने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया है। कैसे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया है, तो एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करके, और उसी फ्लो को हम लोग बोलते हैं वेव। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, मेरा जो क्लास रहेगा आपको पॉइंट वाइज रहेगा, आप लोग को भी पॉइंट वाइज में ही लिखना है। लिखिएगा कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग वेव प्रोपोगेशन या फ्लो, जो भी बोलिए, ड्यूरिंग वेव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मटेरियल, मटेरियल ऑफ मीडियम, मटेरियल ऑफ मीडियम डू नॉट मूव ओनली पैटर्न, पैटर्न मूव्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको स्ट्रिंग का एग्जाम्पल देके बताया कि जब ये पैटर्न, पैटर्न लिखेगा नहीं, जब ये पैटर्न आगे पीछे मूव करता है, तो ये रस्सी जो आपने एक जगह बांध दिया है उसको, ये रस्सी आगे पीछे नहीं जाती है, ये ऊपर नीचे हो जाएगी, ये ऐसा नहीं कि आगे पीछे मूव कर रही है। ठीक है, तो रस्सी जो मीडियम है वो आगे पीछे नहीं होगा, ये डिस्टर्बेंस ऊपर नीचे ये आपको आगे बढ़े, और इसीलिए इसको बोलते हैं वेव। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल में साउंड वेव, साउंड वेव कमा लाइट वेव, स्ट्रिंग वेव, वही जो मैंने धागे में आपको बताया, स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव, जो आप लोग कंकड़ मारते हैं पत्थर पानी में, तो पानी में कुछ सर्कुलर शेप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, पानी थोड़े ना आगे बढ़ता है, नहीं, वो सर्किल एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, पानी में देखते हैं ऐसे बनता हुआ, दैट इज वाटर वेव। सिस्मिक वेव, ए स्पेस में होने वाला सिस्मिक वेव एक्सेट्रा, सिस्मिक वेव। सिंपल वेव से आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एक फीलिंग्स दिमाग में रखना है। वेव का मतलब एक पैटर्न का फ्लो होना जिसमें मटेरियल मूव नहीं करता है। मटेरियल किसका, जिसमें वेव पैदा लिया, जैसे वाटर में आपने एक पत्थर मारते हो तो उसमें एक डिस्टर्बेंस फ्लो करता है ना, तो वाटर आगे पीछे नहीं जाता है, वो डिस्टर्बेंस आगे आगे जाता है, गोल गोल सर्किल बनते जाता है, आप लोग देखते होंगे, ठीक है, रस्सी में, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस आगे जाता है, रस्सी वाटर वो सब चीज आगे नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव, और क्लास में जैसे मैं आपको एक बात को कम से कम तीन बार मैं बोलूंगा,
और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रूम पे जाके 15 मिनट एक नजर पढ़ लोगे आपको बहुत दिन के लिए फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेव लिखिएगा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव। कौन? फर्स्ट में लिखिएगा मैकेनिकल वेव, दूसरा में लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थर्ड में लिखिएगा मैटर वेव। कॉलेज में आप लोग जब जाइएगा तो सीधे लिखवाया जाएगा ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो यहां तो मिला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा तीन टाइप्स है मैकेनिकल वेव का, सॉरी नॉट मैकेनिकल मतलब वेव का, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। अब कैसे वेव को बोलेंगे मैकेनिकल वेव, ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव, माने यहीं से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, किसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और किसको बोलेंगे मैटर वेव। जनरली इस दो के बारे में आपको डिफरेंस और डिटेल में जानना है। तो पहला इसमें हेडिंग डालिएगा मैकेनिकल वेव, फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव। व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल वेव, किसे कहते हैं मैकेनिकल वेव? तो सुन लीजिए कथा कि ऐसे वेव जो केवल एक मीडियम में ही प्रोपोगेट करे, उसको प्रोपोगेट होने के लिए, फैलने के लिए, मूव होने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता हो, वैसे ही सारे वेव को बोलेंगे मैकेनिकल वेव। सिंपल, ऐसी वेव वैक्यूम में, निर्वात में नहीं ट्रेवल कर सकती, नहीं प्रोपोगेट कर सकती। जैसे साउंड को फ्लो होने के लिए, मूव होने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए गैस, एयर चाहिए, सॉलिड चाहिए या लिक्विड, मतलब कोई ना कोई मीडियम चाहिए ही चाहिए। अगर जहां कुछ नहीं है, निर्वात है, साउंड एक जगह से दूसरे जगह नहीं ट्रेवल कर सकती। ऑफ कोर्स यार, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, आगे बताऊंगा कि साउंड की वेलोसिटी, आप पानी में जाके चिल्लाओगे हाँ कम दूर तक सुनाई देगा, ये हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी आपको सॉलिड में ही होती है साउंड की। ट्रेन अगर आ रही हो, बहुत दूर हो, लेकिन अगर उसको कान उसके ट्रैक पे लगा के सुनो, तो बहुत दूर की ट्रेन जो आपको कान से नॉर्मली ईयर के थ्रू नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन अगर उसके ट्रैक में लगा के सुनो, उसका वाइब्रेशन और उसका साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो साउंड की सबसे ज्यादा वेलोसिटी सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और कम, सबसे कम एयर में। ठीक है, और निर्वात में तो हो ही नहीं सकता है, साउंड मूव ही नहीं करेगा। तो कहने का मतलब, दोज वेव्स विच रिक्वायर्ड ए मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन या टू प्रोपोगेट देम, ऑल आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में कि दोज वेव्स विच रिक्वायर ए मीडियम। मीडियम कहने का मतलब कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी, सॉलिड, लिक्विड, मैटर, गैस, दोज वेव्स विच रिक्वायर ए मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन are called mechanical waves। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, साउंड वेव, वाटर वेव, वाटर ही चाहिए, वाटर में ही प्रोड्यूस हुआ है, वाटर वेव,
स्ट्रिंग हम लोगों ने धागे में या रस्सी में जो वेव प्रोड्यूस किया, स्ट्रिंग वेव एक्सेट्रा ईटीसी। ये वाटर मतलब वाटर में ही वेव प्रोड्यूस हुआ है, स्ट्रिंग मतलब धागे रस्सी में ही जो वेव प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट स्टार मार्क पॉइंट लिखिए, डबल स्टार। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट, कैन नॉट प्रोपोगेट, प्रोपोगेट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। कि मैकेनिकल वेव जो होंगी वो आपको वैक्यूम में कभी भी नहीं फ्लो प्रोपोगेट करेंगी, कभी नहीं। मैकेनिकल वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम। और ये सब ऑब्जेक्टिव है अपने आप में, यहां से भी पूछा है, पूछता है, पूछता रहेगा, ठीक है। कि मैकेनिकल वेव में क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रो में, आगे हम लोग देखेंगे। तो मैकेनिकल वेव ऐसे सारे वेव जिनको फैलने के लिए पक्का एक सहारा मीडियम चाहिए, ऐसे ही सारे वेव को बोलेंगे हम लोग मैकेनिकल। कहने का मतलब वो वैक्यूम में नहीं फ्लो हो सकती। एक और स्टार मार्क पॉइंट लिखिए, कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रोपोगेशन, ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव वेव इन ए मीडियम, इन ए मीडियम, मीडियम कमा कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट ऑफ मीडियम, मीडियम ऑसिलेट्स, पढ़ना है आपको ऑसिलेशन, ऑसिलेट्स एसएचएम के पहले पढ़ाऊंगा इसी यूनिट में। मीडियम, मीडियम वेव कमा कंस्टिट्यूएंट ऑफ मीडियम ऑसिलेट्स, ऑसिलेट्स एट एट देयर ऑन पोजीशन, ऑन मतलब अपने, ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन बट नॉट मूव्स, नॉट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए क्या बोल रहा है, आगे मैं बताऊंगा ऑसिलेट्स के बारे में। कि मैकेनिकल वेव जिस भी मीडियम में फ्लो हो रही है ना, उस मीडियम तो आगे माने मूव नहीं करेगा एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन उस मीडियम के कुछ हिस्सा अपने ही जगह, जैसे अगर आप, अगर रस्सी वाला ही एग्जांपल रखिए, तो ये हमारी एक सीधी रस्सी है और इसी को आपने ऐसे छेड़ा, माने ऐसे इसमें डिस्टरबेंस किया, तो देखिए ये वाली रस्सी अपने ही जगह होके ऐसे ऊपर नीचे करेगी, माने है यहीं पे, लेकिन यहीं से ऊपर जा रही है, यहीं से नीचे जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आगे भाग जा रही है या पीछे चली जा रही है। तो आगे बताऊंगा इसी ही टाइप के मोशन को, कि अपने ही जगह रहते हुए आगे पीछे ऊपर नीचे अगर कोई टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दीजिए, तो ऐसे ही मोशन को दोस्त ऑसिलेटरी, एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन बोलते हैं ऑसिलेशन। जैसे पंखा अपने ही जगह रह के एक अलग टाइप का मोशन कर रहा है, घूम रहा है गोल गोल, रोटेशनल मोशन, पोजीशन इसका चेंज नहीं हो रहा है, एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है। तो वैसे ही एक ऑसिलेटरी मोशन, मोशन का मतलब ये नहीं समझिए कि एक जगह से उठ के दूसरे जगह चले जाना, केवल वही मोशन नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोशन आप लोग पढ़ के आए होंगे फिजिक्स 1 में, ठीक है।
वैसे ही एक ऑसिलेटरी मोशन होता है कि ये रस्सी ए वाला पार्ट जो रस्सी का है यहीं पे है, लेकिन यहीं पे रहते हुए ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसे ही मोशन को बोलते हैं ऑसिलेशन। तो आपको वेव में, जिस भी मीडियम में वेव फ्लो हो रहा है, मीडियम के मटेरियल एक जगह से नहीं दूसरे जगह जाते हैं, अपने ही जगह रहते हुए, अपने ही जगह रहते हुए एट देयर ओन पोजीशन एक स्पेशल टाइप का मोशन करते हैं। दैट मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन। पढ़ाऊंगा, इसी यूनिट में पढ़ना है, एसएसएम के जस्ट पहले, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि मैकेनिकल वेव क्या है, क्या इसकी खासियत है, और क्या आपको इसमें हम लोग को एक जब ये मीडियम में प्रोपोगेट करता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आपको ऑसिलेटरी मोशन मीडियम का कराएगा। अब इस मैकेनिकल वेव का दो टाइप होता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, जो कि आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। नहीं, मैकेनिकल और मैकेनिकल का दो टाइप्स, ठीक है। तो फर्दर इसमें लिखिएगा, लिख लीजिए कम से कम हेडिंग कि फर्दर मैकेनिकल वेव, फर्दर मैकेनिकल वेव इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी या टू टाइप्स। फर्स्ट ए में लिखिएगा ट्रांसवर्स वेव एंड बी में लिखिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग कि किस टाइप के मैकेनिकल वेव को बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव और किस टाइप के वेव को मैकेनिकल वेव को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो आज भर के लिए रहने दीजिए यहीं पे, ठीक है, पहला क्लास है, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी डिफरेंस भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है सर। फर्दर का मतलब होगा आगे, मतलब अच्छा ये। और एक चीज मैं बात बता दूं, मेरा आप लोग को बुक बताया गया है, कौन सा बुक अगर लेना चाहते हैं, इंट्रो में देखे होंगे तो, हाँ, कुछ लोग बुक अगर लेना चाहते हैं तो बुक के लिए मैंने इंट्रो लेक्चर में बताया है, यहाँ भी सुन लीजिए बुक के बारे में। कोई इधर उधर का बुक नहीं लेना है, एकदम एनसीईआरटी का 12th का Volume 1 एंड Volume 2 फिजिक्स चाहिएगा, 100-100 रुपये में मिलता है सेकेंड हैंड कॉपी, गांधी मैदान के पास या आप कहीं भी हो, एनसीईआरटी का 12th क्लास का फिजिक्स Volume 1 and 2, दो वॉल्यूम करके आता है, और लगभग आपको 90% सिलेबस इस दो बुक में मिल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, कि आपको कुछ, आपको जैसे SHM मिलेगा आई थिंक अप्लाइड वन में, Volume 1 में जो एनसीईआरटी का, तो आई थिंक आप लोग Physics 1 के लिए क्या लिए थे, कौन सा बुक लिए थे, लिए ही नहीं थे, कोई बात नहीं, हमको पता है कि आप लोग बुक ले तो लेते हैं लेकिन पढ़ने का समय कहाँ मिलता है, सच्चाई है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसे थोड़ा डायरेक्ट यहीं पे आ गए, ठीक है। नोट से पढ़ने और प्रीवियस सेमेस्टर क्वेश्चन लगाने में आप लोगों का समय, लेकिन एक रखना चाहिए बुक, स्टैंडर्ड बुक, और एनसीईआरटी से स्टैंडर्ड और रेफरेंस बुक कोई बेटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस अप्लाइड फिजिक्स 2 के लिए 12th क्लास का आपका Volume 1 और Volume 2, और ये इंट्रो में ही मैंने बताया कि आपको ये जो फिजिक्स, मैं अगर बता दूं आज से जो 3-4 साल पहले आपका फिजिक्स का सिलेबस था डिप्लोमा का, वो मात्र 5 यूनिट सिंपल था, लेकिन ये 3-4 साल पहले, कोरोना से पहले आई थिंक ये चेंज किया है, कि जिसमें आपको अप्लाइड फिजिक्स 1 कर दिया 11th का फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 कर दिया 12th का फिजिक्स,
तो आपको ये 11th 12th का फिजिक्स पढ़वा रहा है, हाँ नॉट 100% लेकिन 85% आपको पढ़ा रहा है, 85 to 90% मैं कह सकता हूं। अब पहले था कि मात्र एक फिजिक्स आपको 5 यूनिट सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर 1 में पढ़ना था, आपके लिए हो सकता है 1 या 2, ग्रुप ए ग्रुप बी मतलब जो भी, एक ही फिजिक्स पढ़ना था 5 यूनिट का मात्र, ठीक है। लेकिन ये 3 4 साल पहले जो कि अच्छा किया कि मैक्सिमम बच्चे 10th करके आते हैं, यार इंजीनियर ही क्या बने कि फिजिक्स और मैथ ना पढ़े, ठीक है। तो इसीलिए जो अप्लाइड फिजिक्स 1 जो नाम दिया है वो 11th का फिजिक्स है 80 to 90%, और जो ये अप्लाइड फिजिक्स 2 नाम दिया है ये 12th का फिजिक्स है, ठीक है, 80 to 90%। मैं 100% नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारा चीज थोड़ा सा कुछ मिसिंग किया है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं 12th का फिजिक्स लेने के लिए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, कुछ बातचीत। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में यस या नो कि नहीं आज सर बहुत अच्छा, चाहे बहुत समझे में नहीं आया, ठीक है। कोई भी रिश्ता में थोड़ा समय दीजिए, तब वो गठबंधन क्या होता है, मजबूत होता है। पता चला पहले ही बार में एक्साइटेड होके यस या नो कर दिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ आप लोगों का कुछ क्वेरी है, पूछना है। सर प्रोपोगेशन का मतलब होता है फैलना, मूव करना, वेव के मूवमेंट को, फ्लो को प्रोपोगेशन बोलते हैं, इंडियन शॉर्ट फिल्म। हमको ग्रुप में ले लीजिए, ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। सर प्रोपोगेशन, सर और बताइए कुछ आपका क्वेरी हो तो। चलिए आपका जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन हो, एडमिशन से रिलेटेड सिलेबस जो भी, आप टेक्निकल क्लास के ऐप पे या जो भी मोबाइल नंबर वहां पे रजिस्टर्ड है, आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो नीचे एक रेड कलर का स्ट्रिप मूव कर रहा होगा, पतला सा रेड कलर का स्ट्रिप। उस रेड कलर के स्ट्रिप पे आपको 2 नंबर दिया होगा, टेक्निकल क्लास का वो नंबर है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप वहां फोन करिए, आपके फोन को इंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा 2 मिनट का समय दीजिए। आपका यूनिवर्सिटी का सर क्या, यूनिवर्सिटी का आपका सिलेक्शन क्या, ठीक है। हाँ।